बाद ये ना कहने को रहे कि मेरा थोड़े नंबर सर आ गया। भर्ती प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी, और हम जो बता रहे हैं वर्षा, ये भी होगा, तो कहीं पर भी कुछ भी होगा, पढ़ाई ही काम आएगा। जो है एनसीटी जो है डीएलएड ख़त्म करने जा रही है, बंद करने जा रही है, और बीएड को वैलिड करने जा रही है। जब ये हो जाएगा तो इनकी भाषा बदल जाएगी, फिर ये डीएलएड के बारे में बोलेंगे, डीएलएड तो बेकार है, ये है वो है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो। सर जी नमस्ते। सर जी नमस्ते। हाँ मनीष बोल रहा हूँ, मैं कानपुर देहात से। सर बताइए। हमारा बीएड 2013 का है, टेट हमारा 18 में क्लियर हुआ था और 69,000 में मेरा हो नहीं पाया। प्राइमरी का टेट 2018 में ना? 18 में जूनियर प्राइमरी दोनों क्लियर हुए। अच्छा, और 69,000 में नहीं हो पाया, क्या नंबर कम रह गया? हाँ सर नंबर कम रहेगा। चलिए, वैसे आप बीएड वाले हैं तो बीएड वालों का तो बहुत कम चांस था 69,000 में, और पुराने जो लोग हैं बीएड वाले उनका तो और कम चांस था। हाँ सर मेरिट भी लो थी हमारी इतनी कि हो भी नहीं पाता, अगर हो भी जाता निकल भी आता तब भी नहीं हो पाता उसमें सर। हाँ, मेरिट में संभव ही नहीं है, पुराने जो लोग हैं उनका एकेडमिक तो कम होता है। चलिए कोई बात नहीं, वो वैसे भी जो है दो भर्तियां जो है 69,000 सर खास तौर पे शिक्षा मित्रों के लिए थी। अच्छा, तो अब जो है अब आगे का जो नया सुपर टेट आने वाला है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। सुपर टेट अभी टाइमिंग नहीं कोई मतलब निश्चित है उसकी, है ना। आपकी आवाज़ नहीं ठीक से आई क्या? हम बोले टाइम उसका अभी क्लियर नहीं, वैकेंसी का है ना, सुपर टेट निकलने का कुछ समय अभी। आपके सामने दो विकल्प हैं, आप या तो जो है टाइम घोषणा होने का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जब फॉर्म भर लीजिएगा और फिर जो है तैयारी करके 1 महीने बाद पेपर दीजिएगा। उसमें हो नहीं पाएगा सर 1 महीने अब बाद फिर क्लियर। तो फिर सीधी सी बात है, तो इन बातों को छोड़ दीजिए ना कि टाइम है नहीं है क्या है, आप अपने बस तैयारी में रखिए, तो वो पूरी पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी रखिए, जब भी भर्ती आएगी फॉर्म भर के फिर जो है अच्छे नंबर आने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर इस बार भी वही बात रह जाएगा कि जैसे 69,000 में कह रहे नंबर कम रह गया, हाँ सर तो कम हो क्या गया। चाहते हैं इस बार फिर यही कहने को रह जाए कि नंबर कम आ गए? तो नहीं सर ये नहीं चाहते, ये चाहते कि हो जाए किसी व्यक्ति कहीं ना कहीं। अभी से एकदम जी जान लगा दीजिए, और भर्ती जो है इस साल आएगी, और आने के बाद मात्र 1-2 महीना समय मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे देखे थे ना यूपी पुलिस आई थी और तुरंत ही फिर एग्जाम भी होने लगा, वो नहीं देंगे तो आसपास के, टाइम नहीं देंगे, हाँ टाइम वो तो इत्तेफाक से जो है पेपर रद्द हुआ है, तो टाइम मिल गया लोगों को, नहीं देंगे। नहीं तो टाइम तो मिलना नहीं है। आएगी भर्ती और फिर जो है समय कम ही रहेगा। और ये सर आप जो बताते वर्षवार का जो सिस्टम है इसमें। अरे वो तो हम लगातार बताते ही रहते हैं, नई योजना शुरू होनी है, अब इसकी घोषणा देखिए कब होती है, हर कक्षा में इसकी योजना की घोषणा होगी, उसके बाद जो है क्रम से धीरे धीरे सभी राज्य जो है इसमें पुराने लोगों को लेना शुरू करेंगे, तो इसकी भी घोषणा जब तक नहीं होती है तब तक तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन होगी उसके बाद फिर क्रम से धीरे धीरे राज्य सारे भर्ती करना शुरू कर देंगे, और यूपी के अंदर 6-7 लाख पद जो खाली हैं सब भरेंगे। प्राइमरी हाँ तो है हाँ आप ऐसे ही देख लीजिए ना कितने प्राइमरी हैं, 1,58,000, और हर स्कूल में 5 कक्षाएं हैं, जी बिल्कुल, 5 तो तो बच्चा 1,58 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, करीब 7.5-8 आ जाएगा। है 7.5-8 करीब और अभी कार्यरत शिक्षक जो हैं परमानेंट उनकी संख्या देख लीजिए कितनी है, 2 लाख के अंदर हैं, हर साल रिटायर भी हो रहे हैं, 69,000 जब भर्ती हुई उस समय जो है 2 लाख से ऊपर थे, उसके बाद हर साल रिटायर हो रहे हैं, तो 2 लाख से तो कम ही हुआ, 1.5 लाख के करीब आ गए होंगे अब तो, पद तो ऐसे ही बहुत खाली हैं। अब योगी जी ने घोषणा भी कर दिया है कि हर कक्षा के सेक्शन बनाएंगे, तीन तीन जो तीन तीन सेक्शन बनेगा तो उसके लिए भी टीचर चाहिए, संख्या बढ़ेगी तभी होगा, तो पद तो लाखों हैं। हाँ ये है कि केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी तो यूपी में संभावना जो है वो ये है कि पहले चरण में 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं इनका पहले चरण में 2.5 लाख 3 लाख जो भी होंगे सबका हो जाएगा। तो अभी ये भी कहीं जो ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हुई है, तो तब तक आप जो फोकस कीजिए सुपर टेट पर, पढ़ाई करते अच्छा रहिए।
चलो लगे हैं मेहनत में, हम सोचे हो जाए कहीं ना कहीं इस बार। 35 तो वो हो जाएगा। अभी एज कितनी है? अच्छा, किलो तो हो गई तो अभी एज है, आराम से जम जो है जम करके तैयारी कीजिए। और इस बार जब सुपर टेट आता है तो हर हाल में एकदम तैयारी पहले से रखिए, टाइम टेबल बना लीजिए। हर महीने की 1 तारीख को टाइम टेबल देख लिया कीजिए कि कुछ बदलना है, क्या करना है, नया टाइम टेबल बनाइए। फिर जम करके 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए रोज, ठीक है? पढ़ाई ठीक जारी रखिए, ताकि फिर जो है भर्ती तो आनी है। इसके बाद ये न कहने को रहे कि मेरा थोड़े नंबर से रह गया। भर्ती प्राइमरी की भी आएगी, जूनियर की भी आएगी, और हम जो बता रहे हैं वर्षा, ये भी होगा। तो कहीं पर भी कुछ भी होगा, पढ़ाई ही काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना पढ़ाई तो होना नहीं है ना कहीं। हाँ, वर्षा भी नियुक्ति होगा तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आसानी से हो जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ भी जो है राष्ट्रीय हाँ अभी आप शिक्षा पहले नीति में, इंटरव्यू डेमो होगा ना उधर हाँ, राष्ट्रीय जाके। शिक्षा नीति में लिखा है इंटरव्यू डेमो। तो आने वाले टाइम में नए नए नियम बन रहे हैं, तो ये भी बनेगा। तो बस पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। अगर कुछ कमा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाते रहिए। काम तो कर ही रहे सर, खाली तो बैठ नहीं पाए कहीं ना कहीं पहले। बढ़िया है। कहाँ स्कूल में पढ़ाते हैं? हाँ एक इंटर कॉलेज है, हाईस्कूल तक मैथ पढ़ाते हैं। बढ़िया है। तो बस पढ़ाते रहिए, अपना काम करते रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, और मस्त होकर के एकदम जो है जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं सबको जो है, हर सब्जेक्ट को हफ्ते में 4 घंटा 5 घंटा दीजिए। हर सब्जेक्ट को 4 घंटा 5 घंटा देंगे हफ्ते में, हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर, कोई चलिए, दिक्कत और नहीं है। कुछ? और कुछ नहीं, बस ये जानकारी तो वैसे भी आप देते हैं, बस ये था कि आज थोड़ी बात भी करनी थी हमें। हाँ, तो बीएड का गजट आना है, वो आने जा रहा है। अच्छा, बीएड के गजट के बाद ही होगा ना ये सब कुछ, गजट हाँ, गजट जो है उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में या अगले महीने आ जाएगा, उम्मीद यही है। सभी लोग ये कहते थे कि बीएड तो वैलिड होगा नहीं, कि अभी अब बीएड तो निकाल दिया गया भाई। ये अज्ञानी लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। पूरी जानकारी रखे बिना बातें करते, उनकी बोले बातें छोड़ दीजिए अभी। बीएड तो बेकार हो गया, तो प्राइमरी से तो निष्कासित है, बस अब ये जूनियर के लेवल लेवल खत्म हाँ, होता है। अब जब जो है एनसीटी जो है डीएलएड खत्म करने जा रही है, बंद करने जा रही है, और बीएड को वैलिड करने जा रही है, जब ये हो जाएगा तो इनकी भाषा बदल जाएगी। फिर ये डीएलएड के बारे में बोलेंगे, डीएलएड तो बेकार है, ये है वो है। तो ये वो लोग हैं, ये वो मूर्ख हैं जो पूरी जानकारी रखते नहीं हैं। बस कोई कह देगा कि कौवा कान लेकर भाग गया, तो कान नहीं चेक करेंगे, पहले कौवे के पीछे भागेंगे। होता तो है कि आपकी जो भी बात है 99% मतलब सही निकलती है, अरे एकाध देखिए, परसेंट हो तो शायद इधर उधर हो जाए, तो जो आप बताते जा रहे हैं वर्ष भर ये भी होगा, तो ये मानो कि काफी बिल्कुल लड़कों का हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, पहली बात तो 100% दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो 100% हमारी बातें जो है, कैसे कुछ चीजें जो है होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चीजें जो बताते हैं उसको मानिए, वो सब होगा और सामने आएगा। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग फिर जो हम भाषा अपनी बदल अभी लेंगे। तो उन्हें ये लग रहा है ना कि बिया ढक गया पूरी तरीके से, समझ नहीं आ रहा। तो चलिए, उनको बोलने दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है? ठीक चलिए, रखें फिर। है ओके सर, बस ये कि मुलाकात हो रहा है आपसे, हो जाए कभी, बात बिल्कुल, होती रहती है। आइए कभी बनारस, सही मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी। ये कि आपका नंबर इत्तेफाक से आज लग गया काफी समय बाद, हालांकि रोज ट्राई करते रहते हैं, नहीं लग पाता, बचता रहती है कहीं आपके मोबाइल से भी। कहीं सड़क वड़क के किनारे हैं क्या? बड़ा शोर है। हाँ सर हाईवे पे हमारा गांव पड़ता है। अच्छा, हाँ हाईवे पे गांव है, कांदी है, जस्ट लगा हुआ मेन हाईवे से। ये सिकंदरा और अकबरपुर के बीच में है, जस्ट कहाँ पर? सिकंदरा कहाँ? ये और यहाँ के लिए जो हाईवे नहीं गया सीधा कानपुर से अच्छा आया है, अच्छा अच्छा उसी हाईवे पर हमारा गांव पड़ता अच्छा अच्छा चलिए है। बढ़िया है।
पैदल के रास्ता भी मेन हाईवे पर है। शाम का टाइम है, बाहर टहल रहा हूँ। हाँ सर बाहर आए थोड़ा टहलने के, तो हमने कहा लो नंबर आपके ट्राई करें थोड़ा सा। चलिए बढ़िया है, बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर और सारी चीज़ें कौन क्या कह रहा है वो सब छोड़ दीजिए। अभी जो है 1-2 महीने के अंदर इसमें या तो जुलाई में या अगस्त में देखिए कब आता है गजट, आ जाएगा ना, फिर इन लोग की बिल्कुल भाषा बदल जाएगी। बदल जाएगी। हाँ अभी जो कुछ जो कह रहा है बस सुनिए चुपचाप। अब हम तो ये सोचते हैं पता नहीं हो पाए क्या हो पाए, लेकिन लगे हैं प्रयास में अपने, आखिरी मौका है। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, आप जो है लगे हुए हैं और उसका फल मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, तो बस अपना कर्म कीजिए, फल तो मिल ही जाएगा। जैसे 69 थोड़े नंबर रह गए थे तो तैयारी तो थी ही, थोड़ा बहुत तैयारी जो और करना है वो आप रिवीजन के साथ कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक चलिए रखते हैं फिर। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार।